Hey guys, welcome back to my channel. So before we start the video, मैं आपको बता दूं कि हम आज सौदा ये वेब सीरीज के बारे में रिव्यू और हॉटसेंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ. So let's come up on its main, वो कास्ट लाइन है, पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हम जाएंगे इसके हॉटसेंस के टाइमिंग के ऊपर और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिक स्टोरी लाइन. सो लेट्स कम अप ऑन इट्स कास्ट लाइन. इसमें भारती झा ने रोल प्ले किया है, उसके बाद जयश्री गायकवाड़, सोनी झा, रानी परी, ये एक्ट्रेस ने इस वेब सीरीज में काम किया है. सो लेट्स कम अप ऑन इज डिटेल. ये रिलीज हुई थी 7th of February 2023 को. इसकी टोटल एपिसोड 6 है. इसकी स्टाइल ड्रामा, रोमांस और फैंटेसी में आती है. इसका OTT प्लेटफॉर्म हंटर्स ऐप है. इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है. इसकी IMDb रेटिंग अभी तक अवेलेबल नहीं है या दी नहीं गई है. इसके एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है. सो लेट्स कम अप ऑन इट्स हॉटसेंस के टाइमिंग के ऊपर. पहला था एपिसोड 1 में 5 minutes and 3 seconds पे आनू का एक पैशनेट मैक्लिप सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया. नेक्स्ट आता एपिसोड 2 में 6 minutes and 55 seconds पे रानी परी का एक पैशनेट मैक्लिप सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया. नेक्स्ट आता एपिसोड 3 में 3 minutes and 12 seconds पे सोनी झा का एक पैशनेट मैक्लिप सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया. नेक्स्ट आता एपिसोड 3 में 17 minutes and 32 seconds पे आनू का एक पैशनेट मैक्लिप सीन दिखाया गया. नेक्स्ट आता एपिसोड 3 में 19 minutes and 19 seconds पे रानी परी का एक पैशन पिटिंग सीन दिखाया गया. नेक्स्ट आता है एपिसोड 4 में 3 minutes and 58 seconds पे आनू का एक पैशन क्लिप सीन एंड पैशन पिटिंग सीन दिखाया गया. नेक्स्ट आता है एपिसोड 4 में 17 minutes and 15 seconds पे भारती झा का एक पैशनेट क्लिप सीन एंड पैशन पिटिंग सीन दिखाया गया. नेक्स्ट आता है एपिसोड 5 में 6 minutes and 53 seconds पे भारती झा का एक पैशनेट क्लिप सीन पैशन पिटिंग सीन दिखाया गया. नेक्स्ट आता है एपिसोड 6 में 2 minutes and 2 seconds पे रानी परी का एक पैशनेट क्लिप सीन पैशन पिटिंग सीन दिखाया गया. और लास्ट आता है एपिसोड 6 में 20 minutes and 52 seconds पे रानी परी, जयश्री गायकवाड का एक पैशनेट क्लिप सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दूसरे बंदे के साथ या बॉस के साथ दिखाया गया. सो लेट्स कम अप ऑन इट्स बेसिक स्टोरी. सो इसमें बताया गया कि कैसे हर एक और जो पोस्ट होती है इस वेब सीरीज में वो अपने बॉस के साथ इंटीमेट होते टाइम पर ली जाती है. तो इस वजह से हर एक जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोस्ट पर रहती है क्योंकि वो अपने बॉस के साथ इंटीमेट होती है. तो इस वजह से वहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स थे या मेल एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था 2 साल 3 साल काम करने के बाद. तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे. तो एक बार एक मेल ऑफिस एम्प्लॉय को प्रमोशन मिल जाता है तो अपने फ्रेंड को बताता कि उसने प्रमोशन कैसे लिया. तो उसका आइडिया ऐसा होता है कि वो अपनी वाइफ को लेकर बॉस के तरह इंटीमेट होने के लिए छोड़ देता है. तो इस वजह से वो बॉस भी सेटिस्फाइड होता है और उसका प्रमोशन भी हो जाता है. और इस वजह से वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि अपनी वाइफ को बॉस के साथ छोड़ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाता है. तो वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है सोचने के लिए पर वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मन पे लेता है और इस वजह से वो भी ऐसा ही करता है और उसे प्रमोशन मिल भी जाता है पर वो फिर भी सैड होता है. तो इसके लिए वो क्या प्लान करता है कि अब मैं क्या करूँ इस सॉल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए. तो वो भी फिर से बॉस उसे 3 गुना ज़्यादा पैसा देने वाला था. इस वजह से वो पैसे के लालच में आने के बाद वो वही करता है जो बॉस आता है, वो अपनी वाइफ और बुआ को बॉस के साथ छोड़ देता है. और इसे मिक्स फीलिंग के साथ ये वेब सीरीज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है. तो हमारे स्पाइसी गॉसिप पे बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज़ उस चैनल को भी विजिट करो. और बाकी का तो आपको AI बताई दे. थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए. नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.